नमस्कार जोहार, मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, रिमांड पूरी होने के बाद मोहम्मद सद्दाम हुसैन को भेजा गया जेल, 2 मई को होगी अगली पेशी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल की जमीन घोटाले मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम को रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद आज फिर ईडी की विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने सद्दाम हुसैन को जेल भेजने का आदेश दिया। 2 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सद्दाम हुसैन की पेशी होगी। इससे पहले ईडी 2 बार रिमांड पर लेकर कुल 12 दिनों तक उससे पूछताछ कर चुकी है। मोहम्मद सद्दाम हुसैन की जानकारी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 4 को गिरफ्तार किया था। दरअसल ईडी ने ECIR 6/2023 दर्ज में सद्दाम हुसैन को प्रोडक्शन पर लिया है। मामले में भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ ईडी आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। गिरिडीह में बड़ी नक्सली घटना टली, सुरक्षा बलों ने बरामद किया कोडेक्स वायर। झारखंड में नक्सली सक्रिय हो जाते हैं, वे मतदान को असफल बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी को लेकर गिरिडीह के गांडे में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस कड़ी में शनिवार सुबह गिरिडीह पुलिस और CRPF 154वीं बटालियन द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में कोडेक्स वायर को बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने गिरिडीह के मधुबन और खुखरा थाना क्षेत्र के बीच स्थित कोरू कोचा गांव में कोडेक्स वायर को जमीन में छिपा रखा था। पुलिस की माने तो नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इस वोटक को रखा था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उसे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इधर कोडेक्स वायर के बरामद होते ही पुलिस के जवान अलर्ट हो गए हैं। मेला घूमने आई मौसेरी बहनों से गैंगरेप। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर से मेला देखने निकली 2 नाबालिग बहनों के साथ 3 युवकों ने दरिंदगी की। देर शाम तक बेटी के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने छानबीन शुरू की। नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत की। मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें 2 नाबालिग है, सबसे पूछताछ जारी है। वहीं लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। पीड़िता की मां ने थाने में दिए आवेदन में कहा कि उनकी बेटी गुरुवार को अपनी मौसेरी बहन के साथ चान्हो के हुटार में मेला देखने गई थी। दोनों के साथ 2 लड़के भी थे। मेला देखने के बाद चारों एक ही बाइक से घर के लिए निकले। इसके बाद दोनों नाबालिग आरोपी इन्हें खाली घर में ले जाकर दोनों से दुष्कर्म किया। फिर अपने एक दोस्त सुशील उराव को भी बुला लिया, उसने भी एक से दुष्कर्म किया। रात में एक पीड़िता वहां से भाग गई। वहीं जब दूसरी पीड़िता सुबह देर तक नहीं लौटी तो मां ने खोजबीन शुरू की। घर भागी पीड़िता ने मौसी को पूरी जानकारी दी, तब मांडर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। झारखंड के 13 जिलों में 12:40 के पार, रांची में बढ़ेगी गर्मी, चलेगी गर्म हवाएं, 22-23 को कुछ जिलों में होगी हल्की बारिश। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। मौसम काफी गर्म हो चुका है, ऐसी स्थिति में राज्य के 13 जिलों में हीट वेव की चपेट में है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे में कोल्हान प्रमंडल का पूर्वी सिंहभूम जिला सबसे अधिक गर्म रहा। यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिस जिले का तापमान सबसे कम रहा वहां भी गर्मी का एहसास होता रहा। सबसे कम तापमान बोकारो जिलों में बोकारो थर्मल क्षेत्र का रहा है, यहां 23.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के बड़े हिस्से में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है जो अभी जारी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 अप्रैल यानी आज राज्य के कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो और धनबाद जिलों में तथा संथाल परगना के देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम का यह मिजाज इन सभी इलाकों में 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव दूसरे दिन पलामू से बिके 2 नामांकन पत्र, अब तक 6 प्रत्याशियों ने खरीदा नॉमिनेशन फॉर्म। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में पलामू सीट से दूसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। पलामू लोकसभा सीट से शुक्रवार को 2 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। इस तरह 2 दिनों में अब तक कुल 6 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। शुक्रवार को CPI के अभय भुइया और लोकहित अधिकारी पार्टी के सनन कुमार ने नामांकन पत्र खरीदा।
गुरुवार को पलामू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम, राजद की ममता भुया, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के वृंदा राम और भागीदारी पी के सत्येंद्र कुमार पासवान ने नामांकन पत्र खरीदा था। पलामू डीसी सह निर्वाची पदाधिकारी शशि रंजन शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में बैठे रहे और अप्रत्याशी का इंतजार करते रहे। गुरुवार को चुनाव की अधिसूचना जारी होते के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पलामू लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। समाहरणालय परिसर में 6 दंडाधिकारियों के साथ सबसे अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। नामांकन स्थल पर 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशियों के केवल 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। सिंहभूम में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, कार्यकर्ताओं से की गीता कोड़ा को जिताने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा गांधी मैदान में शुक्रवार को आजसू पार्टी का सिंहभूम लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजसू कार्यकर्ता न सिर्फ सिंहभूमि संसदीय सीट से सांसद गीता कोड़ा को जिताएंगे बल्कि पूरे राज्य को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने राज्य के सभी 14 लोकसभा सीटें जीतने का अपनी जिम्मेदारी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मिलकर इसकी तैयारी करनी चाहिए। सुदेश महतो ने राज्य की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोरेन परिवार से 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पिछले 4 वर्षों से अपने संकल्प पत्र पर नेतृत्व करने का मौका मिला, इसके बावजूद आज 4 साल बाद भी वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग नजर आती है। उन्होंने कहा कि झामुमो जल जंगल और जमीन की बात करता है लेकिन राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया। उनकी कोई भी विकास योजना राज्य में नजर नहीं आती। झामुमो सांसद और विधायक तो बन सकता है लेकिन राज्य के विकास के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। सचिन तेंदुलकर पहुंचे रांची, पत्नी अंजलि भी साथ। कहा, आज क्रिकेट के लिए नहीं फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाने आया हूं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ रांची पहुंचे। आज वे यहां क्रिकेट की बात करने नहीं बल्कि फुटबॉल के प्रमोशन के लिए आए हैं। वे 10 बजे के करीब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहां फुटबॉल खेलने वाले जूनियर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आए हुए हैं। उनका कार्यक्रम ओर मांझी में है। जानकारी के मुताबिक युवा इंडिया संस्था रांची में सटे ओर मांझी ब्लॉक में काम करती है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन भी इसी के साथ मिलकर काम करती है। दोनों ही संस्थान झारखंड के आदिवासी और गरीब बच्चों को फुटबॉल सिखाती है, उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी देती है। आज के कार्यक्रम के तहत ओर मांझी के बरवे मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वे उन बच्चों से मिले जो वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन बच्चों को सचिन तेंदुलकर ने प्रोत्साहित भी किया। देवघर एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। राहुल गांधी शनिवार सुबह देवघर एयरपोर्ट पहुंचे जहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनसे मुलाकात करने के लिए गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, सूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय आदि पहुंचे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी भागलपुर के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। झामुमो जामताड़ा के जिला अध्यक्ष का निधन, शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में लिया था हिस्सा। झामुमो के जामताड़ा जिला अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष श्यामलाल हेब्रम का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने शुक्रवार देर रात को अंतिम सांसें ली। श्यामलाल हेब्रम की जिले के राजनीति में एक विशेष पहचान रही है। उन्होंने अलग राज्य के आंदोलन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। बताया जाता है कि उन्होंने झारखंड आंदोलन को एक नई धार दी थी। वहीं जिला के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि उनकी पहचान सर्वमान्य नेता के रूप में राज्य स्तर पर रही है। पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राजद से दिया इस्तीफा, बसपा के टिकट पर पलामू लोकसभा से लड़ेंगे चुनाव। पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद कामेश्वर बैठा ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कामेश्वर बैठा पलामू संसदीय क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कामेश्वर बैठा अपने समय में माओवादियों के टॉप कमांडर रहे हैं। वे देश के पहले नेता हैं जो माओवाद से निकलकर सांसद बने।
2009 में कामेश्वर बैठा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पलामू से सांसद चुने गए। हालांकि बाद में वे राजद में शामिल हो गए। अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कामेश्वर बैठा ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है। वह पलामू लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों आरएसएस से निकले हैं। धनबाद जेल में छापेमारी, कैदियों के वार्ड का किया गया निरीक्षण, चुनाव को लेकर रूटीन जांच। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर धनबाद जिला पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी माधवी मिश्रा और एसपी एचपी जनार्दन के संयुक्त नेतृत्व में धनबाद मंडल कारा और औचक निरीक्षण किया गया। धनबाद जेल पहुंचे अधिकारियों के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल और अस्पताल की जांच की गई। विभिन्न टीमों के द्वारा जेल के हर वार्ड को बारीकी से खंगाला गया और उनकी जांच की गई। हालांकि इस छापेमारी के क्रम में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस औचक निरीक्षण के बाद उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने मंडल कारा की व्यवस्था, सीसीटीवी, सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, रसोई घर का भी निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने सह रूटीन जांच के संदर्भ में किया गया। इस कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान जेल से नहीं मिला है। इसके साथ ही अधिकारियों ने कैदियों से मुलाकात कर जेल में मिलने वाली व्यवस्था की जानकारी ली। मेरे साथ आपको क्यों चलना चाहिए रांची, कल्पना सोरेन ने बताई वजह। कल होगी उलगुला न्याय महारैली। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुला न्याय महारैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की मेजबानी में इंडी महागठबंधन के शीर्ष पारा प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का भाषण होगा। रैली में देश के करीब 28 दलों के नेता शामिल होंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को रैली की वजह को गिनाते हुए इसमें शामिल होने के लिए राज्य के अलग लोगों से रांची चलने का आह्वान किया है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी को जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में सुनवाई जारी रही, अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दरअसल ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन की खरीदी बिक्री कर अर्पित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी की जांच में हुई है। बता दें कि 19 अक्टूबर 2023 को पूछताछ के क्रम में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था। ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग 3 दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त 2023 को छापेमारी की थी, जिसके बाद कई बार समन जारी कर योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित जोनर कार्यालय में बुलाया गया था और उनसे पूछताछ भी की थी। दीपिका पांडे सिंह को टिकट देने पर बोले कार्यकर्ता, प्रदीप यादव ही निशिकांत को गंगा पार करा सकते हैं, लेकिन यहां खेला हो गया। जरमुंडी विधानसभा के कांग्रेस राजद झामुमो कार्यकर्ताओं ने गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के विरोध में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इन 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर को जलाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में काफी फर्क है। जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी आलाकमान को गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी बदलना होगा, नहीं तो हम लोग सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। यहां अल्पसंख्यक और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का संख्या के अनुसार प्रत्याशी होना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान को फिर से गोड्डा प्रत्याशी पर विचार करना चाहिए, प्रत्याशी को बदलना चाहिए, गोड्डा से प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाना चाहिए। कांग्रेस द्वारा गोड्डा लोकसभा से अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाया है। दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाने के विरोध में जरमुंडी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रशेखर यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस झामुमो एवं राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसमें सभी घटक दलों के नेताओं ने एकमत होकर शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की तस्वीर पर आग लगाकर आक्रोश व्यक्त किया।
हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न। 93 अखाड़ों ने निकाला विशाल जुलूस। 100 वर्ष से भी अधिक पुराना ऐतिहासिक रामनवमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान 94 अखाड़ों का जुलूस मार्ग से गुजरा। लाखों राम भक्तों ने 3 दिनों तक नाच गाकर हर्षोल्लास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म का जश्न मनाया। नवमी के बाद दशमी के दिन गुरुवार की रात 10 बजे से विभिन्न अखाड़ों का जुलूस शुरू हुआ और शुक्रवार की रात करीब 12 बजे एकादशी के दिन समाप्त हुआ। इस दौरान जिले के वरीय अधिकारी 24 घंटे मंच से जुलूस की निगरानी करते रहे। रामनवमी का सकुशल संपन्न कराने के लिए हजारीबाग में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। प्रशासन के लिए यह बेहद खुशी की बात रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। राम भक्त स्वेच्छा से जुलूस से के साथ आगे बढ़ते रहे। जुलूस के दौरान जहां एक ओर राम भक्त नाचते गाते जुलूस में शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर अधिकारी और पुलिसकर्मी भी राम भक्तों के साथ नाचते नजर आए। जुलूस समाप्त होने के बाद अधिकारियों व कर्मियों में खुशी देखी गई और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं जुलूस समाप्त होने के बाद महासमिति की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को तलवार देकर धन्यवाद दिया गया। शांतिपूर्वक रामनवमी संपन्न होने के बाद हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी है। दिनेश गोप के सहयोगी नीलांबर गोप समेत PLFI के 3 उग्रवादी पर CCA सलाखों के बाहर 130 उग्रवादी पर खूंटी पुलिस की निगरानी। खूंटी पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पैनी नजर रख रही है। खूंटी पुलिस PLFI के 3 उग्रवादी पर CCA के तहत कार्रवाई की है। इनमें PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप का सहयोगी नीलांबर गोप, श्रवण गोप और विश्राम कोगाड़ी का नाम शामिल है। तीनों उग्रवादी फिलहाल जेल में बंद है। कुछ मामले में इन तीनों को कोर्ट में जमानत मिली है। अब इस CCA लगने से 1 वर्ष तक जेल में रिहा नहीं हो सकेगा। तीनों उग्रवादियों को पुलिस ने बीते साल गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दिनेश गोप का खास सहयोगी नीलांबर गोप को पुलिस ने खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र से जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में घायल दिनेश गोप का नीलांबर इलाज कराया था। नीलांबर दिनेश गोप से नेपाल मिलने पहुंचा था। वहीं श्रवण गोप और विश्राम कोगाड़ी एरिया कमांडर जोहन टोपनो के नजदीकी रहे हैं। रांची सिविल कोर्ट के 40 कोर्ट बिल्डिंग में बिजली की आंख मिचौली जारी। भीषण गर्मी में अधिवक्ता समेत मुवक्किल है परेशान। रांची सिविल कोर्ट स्थित 40 कोर्ट बिल्डिंग में भीषण गर्मी में पिछले 4 दिनों से बिजली की आंख मिचौली जारी है। हाल यह है कि 40 कोर्ट बिल्डिंग में 3-4 मिनट के अंतराल पर बिजली आती और जाती है। इससे अधिवक्ता समेत मुवक्किल परेशानी झेल रहे हैं। 40 कोर्ट बिल्डिंग 5 तल्ला भवन है। इस भवन में लिफ्ट भी है। बिजली कटने से अधिवक्ता लिफ्ट में फंसे रह जाते हैं। लाइन कटने के डर से लोगों ने लिफ्ट का उपयोग करना बंद कर दिया है। कुछ पेशकर बताते हैं कि लाइन काटने से उनका कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, जिससे सभी न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 40 कोर्ट बिल्डिंग में न्यायिक कार्य से आए कुछ पुलिस अधिकारी बिजली काटने पर मोबाइल की रोशनी में काम करते दिखे हैं। देवघर एम्स कैंपस में 4.47 एकड़ में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। रामूडी गर्ल्स हॉस्टल में शुरू होगा अस्थायी स्कूल। देवघर एम्स कैंपस में 4.47 एकड़ में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। रामूडी गर्ल्स कॉलेज में शुरू होगा अस्थायी स्कूल। सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार के साथ हुए MOU के अनुसार एम्स में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ एम्स में नौकरी करने वाले डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मी के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की जमीन मुहैया कराने में राज्य सरकार के स्तर से देरी पर हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई बार इन सुविधाओं को जल्द मुहैया कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने एम्स के लिए पूर्व से चिन्हित 4.47 एकड़ भूमि पर केंद्रीय विद्यालय निर्माण की विभागीय प्रक्रिया पूरी कर शपथ पत्र 19 अप्रैल को दायर कर दिया है। देवघर DC के स्तर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव के स्तर से दायर शपथ के पत्र के अनुसार एम्स के 4 दीवारी के पास ही केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का नक्शा अंचल के स्तर फाइनल कर लिया गया। अवैध कोयला प्रशासन ने किया जब्त। SDO बेरमो ने नवाडीह के थकबी बेड़ा गांव में की छापेमारी। कोयला लदा ट्रक भी बरामद। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अशोक कुमार द्वारा नवाडीह के धतकी बेड़ा गांव में शनिवार तड़के छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा कोयला को जब्त किया गया। मौके से कोयला लदा एक ट्रक भी टीम द्वारा बरामद किया गया है। ट्रक का पंजीयन संख्या BR26GA4981 है। ट्रक को संबंधित थाने में सौंप दिया गया है। संबंधितों के विरोध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।